नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कुछ देखो सारे क्वेश्चनों में 10 से लेकर यहाँ तक क्वेश्चनों में एक कंडीशन दी है कि x बिलोंग्स टू 0 से लेस देन 1 और बहुत सारी कंडीशन दी होगी 1 बाय अंडर रूट 2 से 1 बाय 2। आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ये क्यों है कि x की वैल्यू इस क्वेश्चन में 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रही है, तभी ये फंक्शन डिफाइन है, अदरवाइज अनडिफाइन हो जाता। ये सब हो सकता है, इन्फिनिटी बन जाता नीचे, हो सकता है कि साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है थीटा की अंदर जो चलती है वो अगर ये वैल्यू नहीं रखेंगे तो कुछ अलग आएगी, या फिर ये बोल लो इन अपॉन में इन्फिनिटी बन रहा है, कुछ जीरो बन रहा है, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो ये जो चीज़ दी हुई है ये कंडीशन है कि भाई एक्स की वैल्यू जीरो से वन पर ही हम रख सकते हैं, बस आप इसको स्किप भी कर सकते हो। क्लियर? तो हमारे पास वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखो, अब हमको पता है कि 1 माइनस, अब हमें क्या करना है, साइन इनवर्स से तो अंदर साइन का ही बनाना है, बट इससे तो साइन का बनेगा ही नहीं कभी, तो देखते हैं क्या करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, अगर मैं एक्स के प्लेस पर 10 रख दूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बहुत सारे होते हैं कॉस 2 थीटा के, तो 2 कॉस थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बहुत सारे फॉर्मूले, 4-5 फॉर्मूले हैं इसके। ठीक है, तो हमको पता है कि एक्स ये अंदर बनेगा कॉस का फंक्शन अगर हम एक्स के प्लेस पे 10 थीटा रखेंगे, और हम वही रख सकते हैं और कोई ऑप्शन भी नहीं है। सो लेट एक्स इज इक्वल टू 10 थीटा, सो 10 इनवर्स, 10 इधर गया तो 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। देन वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या रखा है, 10 थीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। स्क्वायर में है भैया, 2 थीटा नहीं है, स्क्वायर में। तो वाई साइन इनवर्स, ये पूरा किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉस 2 थीटा का। अब देखो भैया, साइन इनवर्स या साइन आता तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट कर देते, बट क्या कंडीशन, अब हम इसको साइन में कैसे बनाएं अंदर, तो एक फॉर्मूला यूज होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। हमको क्या पता है, आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूले सारे टिप्सों पर रखो भाई। नाउ सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है अगर एंगल सेम है, साइन इनवर्स में एंगल सेम चल रहा है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो पाई बाय 2 होता है। तो मेन बात है कि अगर एंगल सेम चल रहा है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये चीज़ सेम है तो पाई बाय 2 होता है। तो देखो हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ध्यान से देखते रहना। साइन इनवर्स एंगल रखा मैंने कॉस 2 थीटा, साइन इनवर्स एंगल ये हो गया, प्लस कॉस इनवर्स एंगल ये हो गया, मतलब एंगल सेम रखा है भाई, एंगल सेम था तो ही पाई बाय 2 आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये नहीं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई ले लिया कुछ अलग, नहीं, सेम सेम। तो हमने क्या रखा, देखो क्या ये क्या चीज़ कर रहे हैं, साइन इनवर्स यहाँ पर रख दिया, ये कॉस, ये पूरा साइन इनवर्स एंगल में क्या रखा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस का, मतलब साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे ये रख दिया प्लस का कॉस इनवर्स, और एंगल में फिर क्या रखा, कॉस थीटा, मतलब एंगल अब भी सेम रखा मैंने, साइन इनवर्स ये एंगल सेम, कॉस इनवर्स ये एंगल सेम, तो भी क्या देगा, इज इक्वल टू पाई बाय 2 ही देगा। बात समझे या नहीं समझे, तो भी क्या देगा, पाई बाय 2 ही देगा। तो हमें यहाँ से, क्योंकि अगर एंगल सेम है, साइन इनवर्स इसके अंदर ये एक्स, देखो ये एक्स और ये एक्स सेम, तो कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ऐसे ये एक्स सेम है, तो पाई बाय 2 ही देता है। क्लियर? तो ध्यान से देखते रहिए, साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, बाय दिस फॉर्मूला क्या रख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा को अगर प्लस है उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस का कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा को इधर ही रखो, प्लस का था इसको उधर भेज दो, इक्वल के उधर भेज दिया, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा क्या हो गया, पाई बाय 2 माइनस का कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। तो इसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, ये चीज रख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। क्लियर? तो यही रखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा के प्लेस पे, बस ये फॉर्मूला यूज किया है इसमें हमने, तो ये हो जाएगा इसके प्लेस पे हमने रखा पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, इसीलिए रखा, क्यों रखा, आप देखो यहाँ से हम इजीली कर पाएंगे, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर बात? तो हमको ऐसे चीजें करनी है। ओके, तो हमने देखा वाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉस से कॉस इनवर्स, यहाँ 2 थीटा निकल गया 2 थीटा, वाई इज इक्वल टू आ गया पाई बाय 2 माइनस 2, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 10 इनवर्स एक्स, तो 10 इनवर्स एक्स लिख दो, बस हो गया अब आप हमारा आंसर। नाउ डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, तो वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है भाई, जीरो, पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है ना, 90s में कोई एक्स वाई वेरिएबल्स थोड़ी ना आ रहे, कांस्टेंट का जीरो, माइनस का 2 बाहर ले लिया, 2 बाहर ले लिया, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, सो योर आंसर इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। क्लियर? ओके, सिमिलरली यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 13 एंड 13 आप खुद करना, आप यहाँ से देख लो मैंने क्या हुआ है, समझ के करना बिल्कुल।
वही आइडेंटिटी लगेगी, एक फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके भी देख लेना, ओके। या नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, ओके। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, और ये जो चीज़ है ये कंडीशन गिवन है कि भाई x की वैल्यू माइनस 1 बाय अंडर रूट 2 से 1 बाय अंडर रूट 2 के बीच में ही लाई कर सकती है, तो ये क्वेश्चन डिफाइन है, बस ये इतनी ये कंडीशन है बस। अब हमें निकालना है dy बाय dx निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो साइन इनवर्स अगर अंदर भी हमारे पास साइन का ही बन जाए तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और हम इजिली थीटा वीटा में कुछ बचेगा उसको कर लेंगे। तो देखो हमें साइन बनाना है अंदर, अब ध्यान से देखो अंडर रूट अगर 1 माइनस में x के प्लेस पे क्या रख दूँ साइन स्क्वायर साइन x साइन थीटा रख देते हैं, तो देखो साइन में ही बन जाएगा। कैसे आपको सब चीज़ें ये बतानी है, मैंने बताई हुई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है या 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, तो हमको देखना होता है कि कौन सा फॉर्मूला हमारा बन पा रहा है ईजिली। ओके देखो हमने यहाँ पर क्या पुटअप करा, अब आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी जब हम इसको पुटअप करके जब आंसर निकालेंगे। एक्स इजिकल टू साइन थीटा पुटअप किया, देन साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा बच गया, साइन इनवर्स इधर गया तो साइन इनवर्स एक्स इधर थीटा बच गया। ओके देखे देन वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स के प्लेस पे क्या पुटअप किया साइन थीटा इंटू इंटू चल रहा है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस एक्स के प्लेस पे साइन थीटा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा बचा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है और अंडर रूट चल ही रहा है, क्लियर। सो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस बाहर आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखो क्यों कराए, देखो साइन इनवर्स था तो यहाँ पर बन गया हमारा साइन का टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन जाता है साइन टू थीटा क्या होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इस पूरे के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं साइन टू थीटा, तो इसीलिए ये चीज़ हमने यहाँ पर पुटअप करी है। देखना पड़ेगा आपको कि कैसे हम क्वेश्चन को इवेल्युएट कर सकते हैं। सो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट क्या बच गया टू थीटा बच गया, तो वाई इज इक्वल टू आ गया टू इंटू थीटा के प्लेस पे क्या रख देंगे साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएशन कर लेना सिंपल इसका, सो ऑन डिफरेंशिएटिंग नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू बाहर आ जाएगा टू बाहर आ गया और साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स द आंसर। ओके नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्वेश्चन, या ओके क्वेश्चन नंबर 15 y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज ओनली द कंडीशन कि x की वैल्यू इस इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए, तो ही क्वेश्चन डिफाइन है। तो देखो sec इनवर्स है अगर अंदर भी मेरे पास sec बन जाए, sec इनवर्स है तो अंदर भी अगर मेरे पास sec बन जाए तो sec से sec इनवर्स कैंसिल आउट होके सिंपल फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो देखते हैं हम कैसे बना पाएंगे, देखो क्यों बनाया हमने, तो x इज इक्वल टू हम रखेंगे cos थीटा, क्यों रखा अभी कहानी क्लियर होगी सब कुछ, भाई ये sec इनवर्स है तो यहाँ पर sec कैसे बनेगा जब 1 अपॉन में cos बन जाए, 1 अपॉन cos क्या होता है sec होता है, क्लियर। तो 1 अपॉन में नीचे मुझे cos बनाना है, सिंपल बात है नीचे मुझे क्या बनाना है cos बनाना है, तो 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा पूरा sec बन जाएगा, sec इनवर्स इधर रह गया sec यहाँ बन जाएगा sec से sec इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। तो 1 अपॉन में cos बनाना है मुझे, तो cos कैसे बनेगा, तो देखो x इज इक्वल टू cos थीटा हमने पुटअप किया, तो x के प्लेस पे cos थीटा पुटअप किया तो कॉस इधर गया तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, क्लियर। कॉस इधर गया तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा बच गया। अब देखते हैं करते हैं वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स वन अपॉन टू एक्स के प्लेस पे क्या करा कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब भाई बन तो गया, यही तो बात है, आपको अगर आइडेंटिटी पता है फॉर्मूले पता है तो आप इजिली बना पाओगे। क्या होता है कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन भी होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, और भी फॉर्मूले, क्लियर। सो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन के प्लेस में हम क्या रख सकते हैं कॉस टू थीटा रख सकते हैं, सो sec इनवर्स वन अपॉन में इस पूरे के प्लेस पे कॉस टू थीटा रख दिया, वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है sec थीटा, तो वन अपॉन कॉस टू थीटा क्या हो जाएगा sec टू थीटा, सो sec इनवर्स ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस टू थीटा इज इक्वल टू sec टू थीटा, sec इनवर्स से sec कैंसिल और टू थीटा बच गया। वाई इज इक्वल टू थीटा हमने क्या माना हुआ है थीटा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू बाहर आ जाएगा एंड कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सो अवर आंसर इज माइनस टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके आई होप द लेक्चर विल बी क्लियर, इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कंसल्ट विद मी एंड कंप्लीट योर फेयर नोटबुक्स एंड शो मी द होमवर्क एज सून एज पॉसिबल। थैंक्स टू ऑल बडी।